नमस्कार मित्रों, मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं एमआर इंडिया टीवी आवाज जुर्म के खिलाफ। तो खबर देखने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और खबर को शेयर करना बिल्कुल न भूलें। लखनऊ सत्येंद्र सेंगर संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सर्वोच्च न्यायालय का फैसला को सराहनीय बताया और कहा कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सदैव ही देश के विकास एवं समाज हित में किया। सत्येंद्र सेंगर सर्वोच्च न्यायालय से अपील करते हुए कहा है कि देश की चुनावी नियमावली में आरक्षण को लागू करना लोकतंत्र की हत्या करने जैसा कृत्य है। वहीं सत्येंद्र सेंगर ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय देश की प्रत्येक चुनावी व्यवस्थाओं पर भी विशेष ध्यान दे और समाज सेवियों को चुनाव लड़ने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि देश की चुनावी व्यवस्थाओं पर ही ग्राम पंचायतों से लेकर संपूर्ण देश का भविष्य तय करता है। साथियों, जैसा कि आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लगभग 3 माह के लिए ब्रेक लगा दिए गए हैं, जो कि बेहद सराहनीय एवं देश हित में है। साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आज तक जो भी फैसले लिए गए हों, चाहे धार्मिक सद्भावनाओं को लेकर के या लोगों की न्याय प्रक्रिया को लेकर के या देश दुनिया के विकास को लेकर के जो भी निर्णय आज तक लिए गए हैं, बेहद ही सराहनीय और समाज हित में लिए गए हैं। इसके लिए मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कोटि कोटि नमन करता हूँ, साधुवाद करता हूँ, जो समाज को न्याय देने का कार्य कर रहे हैं। साथियों, निकाय चुनाव को लेकर के काफ़ी असमंजस में लोग पड़े हुए थे और जो हमारे समाज सेवी व्यक्ति जो आरक्षण के कारण चुनाव लड़ने से वंचित हो चुके थे, उनकी पुनः भावनाएं जाग उठी हैं, उम्मीदें जाग उठी हैं। मैं सर्वोच्च न्यायालय से निवेदन करना चाहूँगा कि चुनावी प्रक्रिया में आरक्षण लगाना समाज और देश के विकास के लिए घातक है। मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि चुनाव में ऐसे व्यक्ति को चुनाव न लड़ना दिया जाए जो व्यक्ति कभी क्षेत्र या समाज से दूर रहे हो। ऐसे लोगों को चुनाव लिस्ट में शामिल किया जाए जो कम से कम 5 वर्ष तक निरंतर समाज शासन और प्रशासन के सहयोगी रहे हो। किसी भी दिशा में वो समाज के कार्यों में लगे रहे हों, ऐसे लोगों को चुनावी लिस्ट में शामिल किया जाए। और मैं खास तौर से मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करना चाहूँगा कि ये जो चुनावी आरक्षण है, चुनावी आरक्षण हटा करके किसी भी समाज का व्यक्ति हो, यदि वो समाज सेवी है, तो उसको चुनाव लड़ने का अधिकार दिया जाए, उसको अधिकारों से वंचित न किया जाए। जय हिंद, जय भारत।